नमस्कार साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगली वीडियो में मैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन लाइब्रेरी कैटलॉगिंग तक पहुंचने से पहले कुछ एक ऐसे ज़रूरी टॉपिक्स है जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो आज हम ऐसे ही एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन नॉलेज क्लासिफिकेशन एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉलेज क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में फ़र्क बताओ, इनके बीच का अंतर बताओ। तो इनके बीच में क्या अंतर है, यही हम पता करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज क्लासिफिकेशन के बारे में। नॉलेज क्लासिफिकेशन क्या होता है? नॉलेज यानी कि ज्ञान, नॉलेज को हिंदी में ज्ञान कहा जाता है। क्लासिफिकेशन हमें पता ही है, किसी भी चीज़ को अरेंज करना। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम नॉलेज को एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करते हैं। अरेंजिंग नॉलेज इन अ सिस्टमेटिक वे। अरेंजिंग नॉलेज इन अ सिस्टमेटिक वे। जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो भी फिलोसोफर्स होते हैं, जो थीसिस वगैरह लिखते हैं, अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं, उनके दिमाग में नॉलेज इकट्ठी होती रहती है। तो वो एक नॉलेज को, ये नॉलेज में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं जो फिलोसोफर्स होते हैं और जो रिसर्चर्स होते हैं। तो ये जो नॉलेज होता है इसका क्लासिफिकेशन करना वो बहुत ही ज़रूरी मानते हैं, ताकि अपने नॉलेज में वो एक बढ़िया एक्सेस बना सके, अपनी नॉलेज को वो बड़े आराम से प्राप्त कर सके। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आप पुराने जो हमारे हिंदी धर्म है उनका क्लासिफिकेशन अगर करें, तो उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से निकलेगा? उनका क्लासिफिकेशन निकलेगा अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, ये एक एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से जो है नॉलेज को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के बारे में। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक फिजिकल वे है। नॉलेज क्लासिफिकेशन जो माइंड में जितने भी नॉलेज है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, वहीं पे जब हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की बात करें तो जितना भी हमारे पास फिजिकल मैटर है, चाहे कोई प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, बुक्स वगैरह है, चाहे कोई नॉन प्रिंटेड मटेरियल है, जैसे कार्टोग्राफिक मटेरियल हुआ, मैप्स हुए, या कोई भी और चीज़ हुई, तो इन सब चीज़ों का लाइब्रेरी में क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जो सबसे मेन जो फ़र्क है इन दोनों के बीच में, नॉलेज क्लासिफिकेशन और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में, वो ये है कि नॉलेज क्लासिफिकेशन में नॉलेज का क्लासिफिकेशन किया जाता है, और लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में फिजिकल आइटम्स जैसे बुक्स, प्रिंटेड बुक्स, नॉन प्रिंटेड बुक्स, कार्टोग्राफिक मटेरियल, जितने भी फिजिकल आइटम हैं इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। इनके कुछ और अंतर के बारे में हम जानते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है, लाइब्रेरी एक वाइडर सब्जेक्ट है। लाइब्रेरी के अंदर जो है आप बुक्स की भी क्लासिफिकेशन करते हो, नॉलेज की भी क्लासिफिकेशन करते हो, और इंडेक्स की भी क्लासिफिकेशन करते हो। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एक वाइडर ग्रुप है जिसके अंदर आपका नॉलेज क्लासिफिकेशन भी आएगा, बुक्स का भी आएगा, और इंडेक्स का भी आएगा। वहीं पर जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है, तो नॉलेज क्लासिफिकेशन एक छोटा ग्रुप है जिसमें आप नॉलेज की क्लासिफिकेशन करते हो। अब हम इसके दूसरे अंतर के बारे में बात करते हैं। नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है वो हमेशा थिंकर्स और फिलोसोफर्स के द्वारा होती है। नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है
वो हमेशा थिंकर्स, रिसर्चर्स, फिलोसोफर्स इनके द्वारा की जाती है। वहीं पे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन लाइब्रेरियन के द्वारा की जाती है, लाइब्रेरियन के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका अगला अंतर देखते हैं। जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है ये एक आइडियलिस्टिक शेप में होता है। दिमाग में पहले आइडियाज आते हैं, फिर उसके बारे में नॉलेज बनती है, फिर उसका उसका जो है एक शेप होता है वो आइडियलिस्टिक होता है, जो ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता। वहीं पे जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है वो प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो किसी फिजिकल चीज़ों का ही होता है। तो जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इसका नॉन आइडियलिस्टिक शेप है, और ये प्रैक्टिकल होता है। वहीं पे नॉलेज क्लासिफिकेशन जो है ये आइडियलिस्टिक होता है और नॉन प्रैक्टिकल होता है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नॉन आइडियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल होता है, और जो नॉलेज क्लासिफिकेशन है ये आइडियलिस्टिक होता है, नॉन प्रैक्टिकल होता है। आइए इसके अगले अंतर की बात करते हैं। जो नॉलेज क्लासिफिकेशन होती है उसमें थिंकर और फिलोसोफर्स को उसे एक सिस्टमैटिक मैनर में मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जहां लाइब्रेरी की बात आती है, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे मटेरियल्स है, इन सबको एक फिजिकल इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने की जरूरत होती है। तो जो लाइब्रेरी का क्लासिफिकेशन है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड, और नॉलेज क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नॉट रिक्वायर्ड। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, नॉलेज क्लासिफिकेशन में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नॉट रिक्वायर्ड है। आइए अब इसके अगले अंतर की बात करते हैं। जैसा कि हम इसका पहले अंतर में भी बता चुके हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन इज मोर प्रैक्टिकल और नॉलेज क्लासिफिकेशन इज मोर रियल। अगर हमारे दिमाग में कोई भी नॉलेज आती है, कोई भी आइडिया आता है, फिर उसका नॉलेज बनता है, तो वो एक वे में रियल हो सकता है। और उसी जगह पे जो लाइब्रेरी की जो क्लासिफिकेशन है ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इसमें फिजिकल आइटमों की क्लासिफिकेशन करनी है। आइए आगे इसके अंतर के बारे में बात करते हैं। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में हमेशा क्लास नंबर रिक्वायर्ड है, और नॉलेज क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर नॉट रिक्वायर्ड है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर रिक्वायर्ड है, नॉलेज क्लासिफिकेशन में क्लास नंबर नॉट रिक्वायर्ड है। हम कभी भी लाइब्रेरी में किसी बुक्स का, किसी भी मटेरियल का अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें एक क्लास नंबर की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा हमारे यूजर उसे ढूंढ सके। वहीं पे जो नॉलेज है इसके क्लास नंबर की हमें कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती है। आखिरी अंतर की इसके बारे में बात करें, जो नोटेशंस होते हैं, नोटेशंस ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनके द्वारा हम किसी भी क्लासिफिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। तो जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इसमें नोटेशन रिक्वायर्ड होते हैं, इसमें नोटेशन की जरूरत पड़ती है। और वहीं पर अगर नॉलेज क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें नोटेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लास लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड नॉलेज क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और नॉलेज क्लासिफिकेशन के बीच में अंतर बताइए। अगले वीडियो में हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, और हम डिजाइन मेथडोलॉजी के हिसाब से जो तीन हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा।